दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमें 1000 व्यूज पे कितना पैसा मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि मोनेटाइज है, और अब हम इन सभी वीडियो से पैसा कमा सकते हैं अपने व्यूज के हिसाब से। लेकिन सभी के मन में डाउट रहता है कि 1000 व्यूज या फिर 1 लाख व्यूज पे हमें कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि हमें 1000 व्यूज पे या 1 लाख व्यूज पे कितना पैसा मिल सकता है या मिलता है। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसपे अभी 1100 व्यूज आए हैं। अगर मैं इसके एनालिटिक्स में जाता हूँ, उसके बाद मैं रेवेन्यू सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हो 1100 व्यूज पे हमें कितने डॉलर मिले हैं, यानी कि 0.33, यानी कि इस आधा डॉलर भी हमें इस वीडियो से देखने के लिए नहीं मिला है। अगर हम इसके वीडियो की बात करें तो वीडियो हमारा 1100 व्यूज चला है। अगर यही वीडियो हमारा 3500 व्यूज पहुंच जाता है तो 3500 व्यूज पे हमें 1 डॉलर मिल जाएगा, 1 डॉलर यानी कि 82 रुपये। तो यानी कि हमारे वीडियो में अगर 3500 व्यूज आ जाएं तो 1 डॉलर हमें कमाई हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं दूसरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इस पे व्यूज नहीं आया है, लेकिन इसका आरपीएम रेट हम आपको दिखा सकते हैं कि हमें कितने व्यूज पर कितना रुपया मिल सकता है। तो इसके मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ, उसके बाद मैं रेवेन्यू सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आरपीएम रेट। आरपीएम रेट मतलब होता है कि हमें कितने व्यूज पर कितना पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1000 व्यूज पे आपको कितना पैसा यहाँ पे मिल सकता है, 8 डॉलर पॉइंट यहाँ पे आपको आगे पैसा यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि 8.5 डॉलर हमको 1000 व्यूज पे मिल सकता है। अब 8.5 हजार अगर हम काउंट कर दे, अगर 8.5 डॉलर की अगर हम काउंटिंग करें तो ये लगभग 450 रुपये बनता है। पहले वीडियो में क्या था कि 3500 व्यूज पे हमें 1 डॉलर मिल रहा था, और इस वीडियो में 1000 व्यूज पे हमें 8.5 डॉलर देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि हर वीडियो पे आपको एक जैसा आरपीएम देखने के लिए नहीं मिलेगा, किसी में 3000 व्यूज पे आपको 1 डॉलर मिलेगा, किसी में आपको 1000 व्यूज पे आपको 10 डॉलर, 15 डॉलर और 20 डॉलर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें आपको वीडियो के हिसाब से होता है, अगर आपका टेक का वीडियो है तो आपको यहाँ पे आरपीएम ज्यादा मिलता है, यानी कि पैसे आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यही पे अगर आपका म्यूजिक का अगर आपको काम होता है, म्यूजिक अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं, फिर कॉमेडी से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पे 5000, 6000, 7000 व्यूज पे ही आपको 1 डॉलर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे आपको 2000 व्यूज पे, 3000 व्यूज पे 1 डॉलर मिल जाएगा, और कुछ ऐसे वीडियो होंगे जिसमें एड काफी ज्यादा दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1000 व्यूज पे आपको लगभग 10 डॉलर, 15 डॉलर, 20 डॉलर या फिर 5 डॉलर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 20 का आरपीएम रेट आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हो 1 लाख व्यूज की, कि हमें 1 लाख व्यूज पे कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो आपका 1 लाख व्यूज यहाँ पे आपको तो देख लेना है, लेकिन ये भी आपको साथ साथ देखना है कि आपका वीडियो किस कैटेगरी का है। अगर आपका टेक्निकल का वीडियो है तो 1 लाख व्यूज पे आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर आपका म्यूजिक का कोई भी वीडियो है तो यहाँ पे 1 लाख व्यूज पे लगभग आपको 1500 रुपये से लेकर के आपको 2000 रुपये तक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका टेक्निकल वीडियो है, अगर आपके उस वीडियो में 1 लाख व्यूज आ जाते हैं तो लगभग उसमें आपको 50000 भी मिल जाएंगे और 1 लाख रुपया भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।